तो भाई लोग, आज मैं बताऊंगा कि इस तरह का वीडियो अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। तो भाई लोग, वीडियो बनाने के लिए वीडियो का रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से कर लेना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन कर सकता होगा जो काइंड मास्टर है। सबसे पहले आपको काइंड मास्टर में चले जाना है। उसके बाद यहाँ से प्लस वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ तीन फ्रेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीच वाला फ्रेम है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, काइंड मास्टर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मीडिया वाला ऑप्शन, मीडिया पे क्लिक करना है। जो वीडियो का रिकॉर्डिंग की है उस वीडियो को यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जिस जगह पे आप नहीं है उस जगह पे यहाँ से खाली वाले स्थान, इस वाले खाली स्थान के यहाँ से एक फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के लिए यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद कैप्चर एंड सेव फ्रॉम एड प्ले लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको एक फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद इस जगह पे कोई ना, उसके बाद जहाँ से आप जहाँ तक आपने एक्शन किए उस जगह तक यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद हटा देना है। इसके बाद यहाँ से इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रिम टू राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जहाँ तक एक्शन किए वहाँ उस पार्ट तक रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, उस वाले कैप्चर को ले लेना है जिसको आपने अभी सेव किया था। उसके बाद यहाँ से इस वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है। यहाँ से जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और फर्स्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों उंगलियों से इस तरह से यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मीडिया में जाना है, उस लेयर में जाना है। उसके बाद मीडिया में जाना है, उसका एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वाले डॉट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद ई वाला सेकंड वाला ऑप्शन पे फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वाले ग्रीन वाले वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे राइट साइड में ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसका इमेज इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपना काइंड मास्टर में देखिएगा, यहाँ की कलर ग्रीन कर लेना है। यदि आपको नहीं आता है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एडजस्टमेंट सबका यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट अच्छा से मिला लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद यहाँ कलर फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और सेकेंड वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैचिंग करना है। उसके बाद जो बचे हुए पार्ट है उसको इस तरह से कैंची वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ से काट देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो आपके फाइल में सेव हो जाएगा।